तो बात करते हैं iQOO 3 भारत का दूसरा 5G स्मार्टफोन, दूसरा क्योंकि कुछ दिनों पहले ही Realme ने चौका मार के अपना पहला X50 Pro लॉन्च कर दिया था, भारत का पहला 5G स्मार्टफोन। 5G ऑफ कोर्स आपको हाई स्पीड देगा, कम लेटेंसी होगी, फास्ट रहेगा, मतलब सब कुछ फास्ट होने वाला है, पर एक ही दिक्कत है 5G को आने में थोड़ा समय है। पर ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, बट उम्मीद करते हैं कि बिफोर दे गेट ओल्ड 5G आ जाए ताकि आप अपने फ़ोन के साथ बने रहें। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, काफ़ी हैवी है, काफ़ी दमदार है, लुक सॉलिड है, और ऑफ कोर्स 5G के अलावा जो इसकी खासियत है वो है इसकी परफॉर्मेंस, जो कि आपको दिखाई देगी गेमिंग के दौरान। तो बात की जाए पहले बिल्ड क्वालिटी की, काफ़ी सॉलिड है, आप फील कर सकते हैं, इनफैक्ट फील क्या, आप इसको महसूस कर पाएंगे जब आप इसको हाथ में लेंगे। थोड़ा वज़न थोड़ा ऑन द हेवियर साइड है, ऑलमोस्ट 250 ग्राम इसका वज़न है, पर हाँ आप इसको इस्तेमाल करने लग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। एंड आई थिंक थोड़ा रीअश्योरिंग भी होता है कि अगर थोड़ा वज़न हो आपको पता रहता है आपकी जेब में कुछ चीज़ है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। स्क्रीन इसकी काफ़ी बड़ी 6.4 इंच की मिल रही है आपको, एंड इट्स एन एमोलेड डिस्प्ले, लुक्स ब्राइट। 800 निट्स से 1200 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस जा सकती है। हमने इंडोर आउटडोर दोनों कंडीशंस में इसको इस्तेमाल किया एंड वी वर इम्प्रेस्ड विद द ब्राइटनेस एंड द कलर रिप्रोडक्शन। एंड एक और चीज़ इसकी खासियत है वो कि आपको 180 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसका मतलब है कि चीज़ें टच रिस्पॉन्स सब बेटर होगा, और ये रिफ्रेश रेट आपको गेमिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हाँ, कलर ऑप्शंस भी आपको 3 मिलेंगे, एक है ब्लैक, एक है ऑरेंज और एक है सिल्वर, एंड दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग। बात की जाए अब इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसको पावर करता है स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी दमदार प्रोसेसर है। एंड आपको दो वेराइटी मिलती हैं रैम में, दो वेरिएंट। मेरे पास जो है यह है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ, इसकी कीमत है 44,990। एक आपको मिलेगा 8 GB जो कि 4G फ़ोन है, नॉट 5G। सो 5G में आपको मिलेगा 12 GB रैम का वेरिएंट, 4G जो दो वेरिएंट है आपको मिलती है उनमें 8 GB रैम, और स्टोरेज में दो ऑप्शन होंगे 128 GB और 256 GB, जिनकी कीमत है 36,990 और 39,990। तो उनको भी देख सकते हैं, दे मेक मोर सेंस। अब बात करते हैं गेमिंग की। ऑफ कोर्स विद दिस प्रोसेसर आपके डेली यूसेज में तो कुछ दिक्कत आने नहीं वाली, रिफ्रेश रेट काफ़ी हाई है, ऐप्स लोड होंगी, लेटेस्ट रैम का इस्तेमाल किया गया है, तो स्विचिंग बिटवीन द ऐप्स, लोडिंग द ऐप्स, डाउन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, सो आप वहाँ तो डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, गेमिंग की बात की जाए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। पहली चीज़ जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है मॉन्स्टर टच बटन, ये आपको बेसिकली हेल्प करेंगे आपकी गेमिंग में, राइट। एंड एक मोड है, आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में जाएंगे आपको गेमिंग मोड एक्टिवेट करना है, तो अल्ट्रा गेम मोड में आप जाएंगे और आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप गेम ऐड कर सकते हैं कि इनमें आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। आप नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आप गेम खेल रहे हैं आप चाहते हैं कि कोई आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो ये भी है। कॉल्स नहीं आएंगी, बैकग्राउंड कॉल अगर आपको स्टॉप करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। एंड काफ़ी और भी ऑप्शन है, जैसे कि ये ईगल आई व्यू, बेसिकली टोन कलर एंड या डिटेलिंग के साथ भी आप खेल पाएंगे। सो या गेमिंग में आपको जो भी चीज़ें चाहिए जस्ट फॉर गेमिंग, काफ़ी ट्वीक्स आपको मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हेल्प करेंगे आपको गेम खेलने में। हेल्प क्या करेंगे, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा, और गेमिंग एक्सपीरियंस हैज़ बीन गुड। कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने काफ़ी खेला है, इसमें पबजी भी काफ़ी खेला, रिस्पॉन्स टाइम, द ग्राफिक डिटेलिंग, एंड यू नो आप जैसे जैसे गेम में बढ़ते जाएंगे तो ग्राफिक्स भी बहुत जल्दी जल्दी लोड होंगे, तो एक्सपीरियंस आपका काफ़ी सीमलेस होने वाला है। टच लाइक आई सेड विद रिफ्रेश इट इज़ अमेजिंग, बिकॉज आप चाहते हैं एम एंड शूट काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। ऑल्सो स्क्रीन की एक बात बताऊँ, हाँ HDR Plus सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि आप हाई क्वालिटी कंटेंट इंजॉय कर सकते हैं, गुड क्वालिटी वीडियो, सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट। और अब बात करते हैं इसकी कैमरा की। आपको मिलता है पीछे एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा, दो आपको 13 मेगापिक्सल के कैमरा मिलेंगे वाइड एंड टेली, और एक छोटू सा 2 मेगापिक्सल का कैमरा फॉर योर बुके। पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए सो इट्स गुड, डे टाइम में कुछ दिक्कत आएंगी नहीं, डिटेल्स आर गुड एंड कलर रिप्रोडक्शन इज़ ग्रेट। हाँ, लो लाइट में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको लगेगा थोड़ा कैमरा के सॉफ्टवेयर मतलब काम पे आ गया है, डिटेल्स को थोड़ा कहीं कहीं कुछ जगह है, जस्ट टू रिप्रोड्यूस दैट इफेक्ट थोड़ा आपको सॉफ्ट ज़रूर नज़र आएगा।
सो दैट्स द ओनली थिंग. एंड ऑफकोर्स पिक्चर क्वालिटी के साथ आजकल, मतलब मेरा तो हमेशा यही मानना है कि आप उन पिक्चर्स को देख कर रहे हैं, राइट? आप यू पुट इट ऑन इंस्टाग्राम, आप फेसबुक पर डालते हैं, और जो लोग भी देख रहे हैं वो भी अपने स्मार्टफोन में ही उसको प्रीव्यू करते हैं. तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करेगा, फिल्टर्स का इस्तेमाल कीजिए, कोई टेंशन नहीं. सामने की तरफ आपको, जो कि बड़ा स्मार्टली इन्होंने कैमरा को प्लेस किया है, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का, सेल्फीज के लिए इट्स गुड, डे टाइम इज नाइस. ऑफकोर्स लो लाइट में थोड़ा सॉफ्टर नज़र आएगा, और वो होता भी क्योंकि सामने के कैमरे में दैट ब्यूटी इफेक्ट काफ़ी लोग हैवी यूज़ करते हैं. So overall, in comparison to the other phones in this segment and in comparison to the overall phone, camera थोड़ा सा पीछे रहता है, but otherwise अगर मैं इसको sum up करूँ तो great. आपको looks ठीक मिल रही हैं camera में, phone में दम है, sorry, with the weight and performance is good, gaming experience has been nice, आप enjoy करेंगे, performance में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 4400 mAh की जो battery है that's good, and the pricing is also good, right? Like I said, so iQOO 3, I say give it a shot, man.